हाँ जी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो न्यूमेरिकल्स आराम से समझ आएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो हमें ये पता है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बैंड होती है। ठीक है, सपोज ये ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है। लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आ रही, जैसे वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड होती है। ये हमने हाइगेन थ्योरी में पढ़ा था कैसे होती है। ठीक है, उसमें हमने ये प्रूव भी किया था और हमको ये पता भी है, छोटे क्लासेस में हम पढ़ते आ ही रहे हैं। तो ये इधर की तरफ बैंड हो जाती है, इसको नॉर्मल और इसके इंसिडेंट लाइट के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल आई कहते हैं, और ये रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल आर। अब देखो अगर मैं क्या करूं, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाता जाऊं धीरे धीरे। ठीक है, जैसे ये लाइट रे ऐसे ही इधर बैंड होगी, अगर सपोज मैंने लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करवाई तो ये इधर को बैंड होगी। मतलब जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा। एक वैल्यू इंसिडेंट एंगल की ऐसी आएगी जब रिफ्रैक्टेड एंगल पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब इंसिडेंट रे ऐसी आई और रिफ्रैक्टेड रे इधर इंटरफेस के ऊपर ही चलेगी, इंटरफेस के ऊपर ही चलेगी। तो वो इंसिडेंट एंगल जिस पे इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में ना जाके इंटरफेस के ऊपर ही चली जाती है। ठीक है, इंटरफेस के ऊपर ही चली जाती है, वो इंटरफेस जो दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है, तो उस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मैं क्या बोल रहा हूं, वो इंसिडेंट एंगल जिस पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवाएं तो इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में ना जाके दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस के ऊपर ही चली जाए, उस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इंसिडेंट एंगल की वैल्यू और बढ़ा दूं, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दूं, तो क्या होगा, तो लाइट रे इधर जाएगी। अब रिफ्रैक्टेड एंगल तो 90 हो गया था, इंसिडेंट एंगल और बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल और बढ़ेगा, तो ये लाइट ऐसे गिर के इधर ही चली जाएगी, दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं करेगी। ठीक है, दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं करेगी, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो इधर से डायग्राम बनाया हुआ है, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होगा तो लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करेगी, उसका बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन ना होके सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस फेनोमेना को बोलते हैं अपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस कंडीशन में देखो रिफ्रैक्टेड एंगल अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 90 तो है ही है, साथ में ये वाला एंगल भी ऐड होगा। ये वाला एंगल हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये लाइट रे आई एंगल पे इंसिडेंट हुई, अब क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, आई, ये एंगल आई है। ठीक है, अगर ये एंगल आई है और ये पूरा एंगल 180 है तो ये वाला एंगल फिर कितना होना पड़ेगा, 180 माइनस आई, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस आई। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन आप बोल के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें 1% भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, टोटल 100 की 100% इंसिडेंट रे का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इस तरफ 1% भी लाइट नहीं आ पाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन देखते थे उसमें क्या होता है, ज्यादातर पार्ट का तो रिफ्लेक्शन होता है लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है, रिफ्रैक्ट भी होता है, इधर भी आता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सारी की सारी लाइट ही टर्न बैक कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2 मार्क्स का कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन ये है कि लाइट रे हमेशा रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जानी चाहिए, तभी हो सकता है ये, नहीं तो नहीं हो सकता, नंबर 1 कंडीशन होगी। सेकेंड, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये 2 कंडीशंस है, You should keep in mind। इसके बाद इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देख लो। देखो अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस यूज करके हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं।
अब ये देख लो, हमें बताया कि जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगी तो लाइट रे इंटरफेस के ऊपर जाती है और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब ये जो वैल्यू है इसको स्नेल्स लॉ में पुट कर दो। हमें पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू टू वन इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है। म्यू टू वन को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू टू बाई म्यू वन, पढ़ा हुआ है आपने, नहीं पढ़ा तो हाइगेन थ्योरी में रिफ्रैक्ट शुरुआत की कुछ दो तीन वीडियोस में ही है, देख लेना जाके वेव ऑप्टिक्स की। म्यू टू वन बन गया म्यू टू बाई म्यू वन, ये एज इट इज पढ़ा है। अब देख लो, अब मैं क्या सपोज कर रहा हूं, सपोज दूसरा जो ये सेकेंड मीडियम है ये क्या है, एयर, ठीक है, और ये फर्स्ट कोई भी डेंसर मीडियम हो सकता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वन, और ये इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, ठीक है। तो म्यू टू की वैल्यू को मैंने यहां पे क्या पुट कर दिया, वन, म्यू वन की वैल्यू को मैंने क्या पुट कर दिया, म्यू, कोई भी डेंसर मीडियम हो सकता है, म्यू पुट कर दिया। इधर साइन आई की जगह पे आई सी पुट कर दिया और आर की जगह पे 90 डिग्री पुट कर दिया। अब साइन 90 क्या होता है, वन, इससे वन बाई म्यू की वैल्यू क्या आ गई, साइन आई सी। तो मतलब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हमें क्रिटिकल एंगल दे रखा न्यूमेरिकल में तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम निकाल सकते हैं, ठीक है, डेंसर मीडियम निकाल सकते हैं। तो इससे म्यू की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वन बाई आई सी। और सपोज यहां पे कोई और रेयर मीडियम होता, यहां पे एयर ना होके कोई और रेयर मीडियम हो जाता तो इसको हम एज इट इज पढ़ा रहने देते, ठीक है। यहां पे क्या लिख देता मैं, इसको एज इट इज पढ़ा रहने देते, म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन 90, इसको आई सी लिख देता मैं, साइन 90 क्या हो जाता, वन, तो ये गया, तो म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल्स टू साइन आई सी आ जाता। बस फिर एक ये वैल्यू गिवन होती, आई सी की वैल्यू गिवन होती तो ये निकाल लेते, मतलब तीन वेरिएबल्स हो गए, दो गिवन होते तो तीसरा अपने आप निकाल सकते थे, फोर वेरिएबल्स में हम कर सकते हैं। तो ये था अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी क्या करेंगे, इस पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, फिर कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स जो कि आपके सीबीएसई में आए हुए हैं, जैसे एक मछली है अंदर बैठी है, बाहर देख रही है जी, कहां दिखेगा, उधर खड़ा आदमी उसको दिखेगा कि नहीं दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नोट्स बना लेना इसके और रिवाइज कर लेना ढंग से इसको।